नमस्कार। आज हम बनाएंगे कटहल की सब्जी, और वो भी कुकर में। और ये सिर्फ 10 मिनट में बन जाएगी। नॉर्मली कटहल को बनने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन आप मेरे तरीके से बनाएं और इसे कुकर में बनाएं। जब भी आपको जल्दी हो तो इस तरीके से बनाएं। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने कटहल को इस तरीके से कट कर लिया और इसको मैंने वॉश भी कर लिया। कुकर में हम तेल डालेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मोटे गरम मसाले। इलायची है, जीरा है, लौंग है 2, और 7 से 8 काली मिर्च है, 1 तेजपत्ता है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हींग पाउडर और यहाँ मैंने लिया है 1 बड़ी साइज का प्याज बिल्कुल बारीक कटा हुआ, और 1 हरी मिर्च जिसको मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया। इनको हम अच्छे से थोड़ा ब्राउन होने देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कटहल। इसको हम अच्छे से चला लेंगे और थोड़ी देर हम कटहल को फ्राई कर लेंगे। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे नमक। हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और इसको हम मिला लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टमाटर बारीक कटा हुआ, और टमाटर की जो स्किन है वो मैंने निकाल दी थी, वो इजीली निकल जाती है नॉर्मली। सिर्फ इसको हम 1 से 2 मिनट पकाएंगे बस। इसके बाद ऊपर से ऐड किया मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून। इसको भी बस मैंने चला लिया। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी इसमें हम ऐड करेंगे सिर्फ 1/2 ग्लास, और यहाँ मैंने 1 हरी मिर्च को लंबा लंबा कट करके इसमें ऐड कर दिया। इसके बाद हम इसे ढक के, और हमें सिर्फ 2 विसल लगानी है, और 2 विसल में कटहल है वो अच्छे से पक जाता है। जब भी आपको जल्दी हो, मॉर्निंग में कहीं जाना हो और आप कटहल बना रहे हो, तो इस तरीके से बनाइए, फटाफट बन जाएगा कटहल। हमारी सब्जी है वो बनके तैयार है, देख सकते हैं आप। और कभी अगर थोड़ा बहुत पानी रह जाता है इसमें तो आप इसे सुखा लें हाई फ्लेम पर। सब्जी है बहुत अच्छी बनी है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।